गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आवर टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन, जो पहले से ही चल रहा है। आज उसकी हम एक्सरसाइज 23 करेंगे, जिसमें हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। मैं पहले भी आपको करवा चुकी हूँ, पहले सिंगल डिजिट में करवा चुकी हूँ, आज ये टू डिजिट्स में, डबल डिजिट में है। देखिए, श्रुति कैन टाइप 75 वर्ड्स आ मिनट, हाउ मेनी वर्ड्स कैन शी टाइप इन 48 मिनट्स। अब श्रुति जो है 75 वर्ड्स जो है वो एक मिनट में टाइप करती है, और हाउ मेनी वर्ड्स कैन शी टाइप 48 मिनट, तो 48 मिनट में वो कितने वर्ड्स टाइप करेगी। तो मैंने लास्ट वर्ड प्रॉब्लम में भी आपको बताया था कि सबसे पहले हम ये ढूंढेंगे कि कौन सी चीज हमें टू टाइम्स देगी, और फिर मैंने कीवर्ड्स भी बताए थे आपको। अगर आपको कीवर्ड्स में नहीं कोई वर्ड मिलता तो मैंने आपको एक यही मेथड बताया था कि हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सी चीज टू टाइम्स है, आ मिनट और 48 मिनट। आ मिनट मीन्स, आ मीन्स वन, यानी कि वन मिनट में 75 वर्ड्स को 48 मिनट्स में कितने टाइप। देखिए, लिखते हैं हम, इफ शी टाइप 75 वर्ड्स, जो एक बार चीज दे रखी है उसको राइट हैंड साइड पे, जो टू टाइम्स दे रखी है उसको लेफ्ट हैंड साइड। नाउ शी टाइप 48 मिनट्स। हाउ मच वर्ड्स हमें फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने बोला था जो राइट हैंड साइड पे फिगर है उसको हम पहले लिखेंगे, जिसका हमने निकालना है लेफ्ट हैंड साइड पे जो फिगर उसको हम। अब आप जब भी मैथ करते हो राइट हैंड साइड पर स्पेस छोड़ा करो, और रफ पर, तो रफ पर यहाँ पे आप करोगे 75 इंटू 48। अब हम क्या करेंगे, वन स्पेस करने पर हमारे पास क्या 5, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से, 8 5 द 40, 40 0, और ये 40 आ गया हमारे पास 0 वन्स में, और टेंस में क्या आ गया 4। वन स्पेस वैल्यू को मैंने वन स्पेस वैल्यू के नीचे लिख दिया, और टेंस में क्या पड़ा हमारे पास 4, इसलिए मैंने टेंस इस बॉक्स में टेंस प्लेस वैल्यू के नीचे 4 लिख दिया। अब क्या करना है, टेंस प्लेस वैल्यू पर कौन सा डिजिट पड़ा है, 7। अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से, 8 7 दा 56, 56 प्लस 4, यस गुड 60। अब हमने वंस प्लेस वैल्यू वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सेकेंड लाइन में हम उसकी जगह क्रॉस करें, ओके। अब नेक्स्ट है टेंस प्लेस वैल्यू पर हमारे पास क्या पड़ा है, 4। अब इस 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, इस 4 से 5 को करेंगे पहले, 4 5 का 20, 20 0, ओके, 2 कैरी आ गया हमारे पास। इसको बेशक क्रॉस कर सकते हो, रेजर से रेज भी कर सकते हो। नेक्स्ट, अब 7 पर टाइम्स प्लेस वैल्यू पर क्या पड़ा है, 7, 7 को से कर रहे हैं 4 से, 4 7 का 28, 28 प्लस 2 30,
जीरो जीरो यस जीरो प्लस सिक्स सिक्स थ्री एज इट इज आंसर क्या आएगा हमारे पास 3600 वर्ड्स वर्ड्स निकालने थे हमने फाइंड आउट करने थे वर्ड्स ही निकालने थे ओके नेक्स्ट यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर इससे पहले जितने भी क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है तो देखिए द कॉस्ट ऑफ अ चेयर रुपीज 375 यानी कि एक चेयर की कॉस्ट कितनी है 375 व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 18 सच चेयर्स तो 18 वैसी ही 18 चेयर्स की कॉस्ट क्या होगी तो सच मैंने वैसी ही अब देखिए मैंने आपको बोला था मल्टीप्लाई के क्वेश्चन में आप सबसे पहले क्या ढूंढोगे कि कौन सी चीज दो बार दे रखी है चेयर्स आर चेयर एंड 18 सच चेयर्स ठीक है तो अब आपको एक की कॉस्ट दे रखी है दो 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 चीज दो बार दे रखी है उसको हम आप किस तरफ लिखोगे मैंने लास्ट वर्ड प्रॉब्लम में भी आपको समझाया था राइट हैंड साइड और अब जो एक बार दे रखी है उसको राइट हैंड साइड ठीक है जो दो बार है उसको लेफ्ट जो एक बार है उसको राइट अब क्या करना है आपने कि आपको एक चेयर की कॉस्ट दे रखी है ज्यादा की निकालनी है जब एक की कॉस्ट दे रखी हो ज्यादा की निकालनी है तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई अब हम लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ इनटू कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज इक्वल टू रुपीज 375 देन कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ 18 चेयर्स एक की वैल्यू दे रखी है ज्यादा की निकालनी है तो क्या करना है मल्टीप्लाई गुड मैंने आपको बोला था कि जो राइट हैंड साइड पे फिगर है उसको हम फर्स्ट लिखेंगे सेकंड नंबर पर जिसका हमें फाइंड आउट करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे फिगर है उसको हम बाद में अब आप देखिए मैथ में हमेशा रफर के लिए स्पेस छोड़िए राइट हैंड साइड पर ऑलवेज तो पहले मैं लिखूंगी वंस टेंस 375 को किससे मल्टीप्लाई करना है 18 से 8 5 40 गुड 40 जीरो 4 10 स्पेस कर दी अब क्या करना है 8 7 56 प्लस 4 60 0 6 कैरी 8 3 24 गुड 24 प्लस 6 30 गुड अब देखिए अब किससे करना है आपने इनको आप रेस कर दो बाकी नेक्स्ट जब हम कैरी लिखे तो हमारे पास स्पेस बचा हो और हम कंफ्यूज ना हो किसको प्लस करना है और किसको नहीं अब देखिए 1 4 5 6 1 5 5 1 7 7 1 3 3 0 5 7 3 3 6 आंसर क्या आएगा 6750 ठीक है नेक्स्ट देखिए यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8 द प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रुपीज 685 हाउ मच वुड इट कॉस्ट टू बाय अ 1 dozen सच हीटर्स अब हमें नहीं पता लग रहा कि हमने क्या फाइंड आउट करना है क्या नहीं
तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपने क्वेश्चन में क्या ढूंढना है कि कौन सी चीज हमें टू टाइम्स मिली है। तो देखिए एन इलेक्ट्रिक हीटर, उसके बाद क्या दे रखा है हमें, इसकी कॉस्ट दे रखी है, ठीक है। और देखिए हाउ मच वुड इट कॉस्ट टू बाय वन डजन सच हीटर, वन डजन। तो हीटर हमें टू टाइम्स दे रखी है, ओके। जो चीज दो बार दे रखी है उसको हमने किस हैंड की तरफ रखा है, यस लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और जो वन टाइम दे रखी है उसको, यस गुड राइट हैंड साइड की तरफ, ओके। अब देखिए एन हीटर मीन्स वन हीटर, और यहां पे हमें वन डजन दे रखा है, तो हमें नहीं पता डजन क्या है, ठीक है, डजन में कितनी है। अब मैं आपको बताती हूं कि वन डजन हैज वन डजन इज इक्वल टू 12। मैंने लास्ट वर्ड प्रॉब्लम में भी बताया था आपको कि एक डजन में 12 थिंग्स होती हैं, तो वन डजन इज इक्वल टू 12 हीटर। हीटर कुछ भी हो सकता है, बनानास, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हीटर है तो इसलिए मैंने हीटर वर्ड यूज किया। तो अब हम देखेंगे इफ एंड इफ प्राइस ऑफ एन means one heater, या आप इलेक्ट्रिक हीटर भी लिख सकते हो, वन हीटर भी ले सकते हो। इफ प्राइस ऑफ एन हीटर इज इक्वल टू रुपीज 685, ओके। आगे देखिए, अब वन डजन का फाइंड आउट करना था, हमने डजन में निकाले कितने हीटर आएंगे, 12 मीटर्स। तो अब हम लिखेंगे then price of 12 heaters is equal to 685, राइट हैंड फिगर पहले लिखनी है और लेफ्ट वाले से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे मैंने लिखा वंस टेंस हंड्रेड, कितना है 685, इससे मल्टीप्लाई करना है 12 से, 25 दा 10 जीरो, टेंस प्लेस करने पर वन आ जाएगा, वंस प्लेस कर, ये 12 आया मेरे पास, वंस टेंस, जो टेंस प्लेस वैल्यू वाली है वो मैंने टेंस सॉरी 10 आ गया था हमारे पास, तो टेंस प्लेस वैल्यू पर जीरो थी उसको मैंने यहां पे लिख दिया, सॉरी वंस प्लेस वैल्यू पर जीरो थी उसको मैंने यहां लिख दिया, और टेंस प्लेस वैल्यू पर क्या है हमारे पास, वन, तो वन को हमने टेंस प्लेस वैल्यू में लिख दिया। अब 2 8 16 1 17 7, वन फिर कैरी आ गया, 2 6 12 12 + 1 13। अब वंस प्लेस वैल्यू वाले डिजिट हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्रॉस सेकंड वन है, ओके। नेक्स्ट देखिए, अब वन से 1 5 1 8 1 6 6 0 7 + 5 12 2 1 carry 3 8 3 and 8 11 + 1 12 2 1 carry 6 + 1 + 1 कितने हो गए 8 6 + 1 7 7 + 1 8। आंसर क्या आएगा हमारे पास, 8220 रुपीज, ओके। नेक्स्ट देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सिनेमा हॉल देयर आर 145 रोज ऑफ चेयर्स, यानी कि एक सिनेमा हॉल में कितने रोज है चेयर्स की, 145 रोज। इन ईच रो देयर आर 68 चेयर, और एक
हाउ मेनी चेयर्स आर देयर इन द सिनेमा हॉल, तो सिनेमा हॉल में कुल कितनी चेयर्स है। ओके, तो सबसे पहले क्या ढूंढना है हमें कि कौन सी आइटम हमें टू टाइम्स दे रखी है, 145 रोज ऑफ चेयर्स, तो हमें कितनी रोज दे रखी है, 145 रोज ऑफ चेयर। और यहां पे क्या दे रखा है, इन ईच रो देर आर 68 चेयर्स, ठीक है, यानी कि एक रो में कितनी चेयर्स हैं, 68 चेयर्स, और टोटल रोज कितनी है, 145। अब क्या निकालना है हमने, हाउ मेनी चेयर्स आर देयर इन द सिनेमा हॉल, तो सिनेमा हॉल में कुल कितनी चेयर्स है, तो हम लिखेंगे इन ईच रो हैज, इफ ईच मीन्स इफ इन ईच मीन्स वन, ओके, इन इफ इन ईच रो ईच मीन्स वन हैज इज इक्वल टू 68 चेयर्स, कितनी रोज का निकाला, 145, क्योंकि एक की वैल्यू दे रखी है और हमें ज्यादा की निकालनी है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और रोज टू टाइम्स है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, देन इन देन इन 145 रोज हैज, राइट हैंड साइड वाली फिगर को पहले लिखेंगे, इनटू लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, 145, तो 145 को हम भागेंगे। यहाँ पे आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे थ्री डिजिट नंबर है, तो थ्री डिजिट नंबर को हम ऊपर भी लिख के पहले वहां पे ऊपर लिख देंगे और 68 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें टू टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी, ट्रिपल डिजिट में नहीं करनी पड़ेगी। ओके, तो हम पहले लिखेंगे वंस टेंस एंड देन हंड्रेड्स, क्या हमारे पास 145 इंटू 68, इसको आप चेंज भी कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 145 इंटू 68। अब देखिए वंस प्लेस वैल्यू पर क्या पड़ा है हमारे पास, 8 5 40 0 4 के 8 4 द यस 32 प्लस 4 36 गुड 6 यस 3 के फिर 8 1 द 8 गुड प्लस 3 यस 11 गुड। अब वंस प्लेस वैल्यू पर जो डिजिट था उससे हमने मल्टीप्लाई कर ली, इसलिए अब हम यहां पर क्या कर देंगे, सेकंड लाइन में वंस प्लेस वैल्यू के नीचे पहले क्रॉस कर देंगे। ओके, अब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको फेस भी कर सकते हो ताकि आप कंफ्यूज ना हो, अगर लिखा रहता है तो फिर हमें कई बार ये होता है कि हम कौन सा प्लस करें, ठीक है, तो आप इसको रेज करके रिजर से फिर क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए 6 से 6 5 का वंस प्लेस वैल्यू पर क्या, 5 6 5 का 30 ठीक है, 3 कैरी 6, अब टेंस प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 का 24 प्लस 3 यस 27 7, फिर आगे गुड 2 कैरी 6 1 का 6 गुड 6 प्लस 2 यस 8 गुड, अब हम प्लस करेंगे 0 6 प्लस 0 6 7 प्लस 1 8 8 प्लस 1 गुड 9, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 9000 गुड 660 चेयर्स। ओके, हैव यू गॉट इट, गुड।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. राजू डिलीवर्स 157 न्यूज़पेपर्स ईच मॉर्निंग. ईच मीन्स वन, यानी कि ब्रेक मॉर्निंग. ठीक है, हाउ मैनी न्यूज पेपर्स डज ही डिलीवर्स इन 31 डेज. तो एक दिन यानी कि एक दिन की मॉर्निंग में कितने न्यूज़पेपर डिलीवर करते हैं मॉर्निंग में 157. तो 31 डेज में कितने न्यूज़पेपर वो डिलीवर करेगा. तो कौन सी चीज दो बार दे रखी है, ईच मॉर्निंग मीन्स वन डे मॉर्निंग. ठीक है, और यहाँ पे हमें कितने दे रखे हैं डेज 31. तो जो चीज दो बार दे रखी है उसको कहाँ रखना है, हमने लेफ्ट हैंड साइड पर, और जो वन टाइम दे सॉरी जो टू टाइम दे रखी है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे, और जो वन टाइम दे रखी है उसको राइट हैंड साइड पे. और जब एक का दे रखा है ज्यादा का निकालना है तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई. अब हम लिखेंगे इन वन डे मॉर्निंग इफ इन ईच मॉर्निंग डिलीवर्स हाउ मेनी न्यूज पेपर 157 न्यूज पेपर. ओके, आगे लिखेंगे देन इन 31 डेज. देन इन 31 डेज मॉर्निंग डिलीवर्स राइट हैंड साइड पर लिख गए पहले, और लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है 31, उससे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे. यहां पे मैं लिखूंगी राइट टू लेफ्ट वंस, टेंस, हंड्रेड, 157 मल्टीप्लाई बाय 1 7 द 7, 15 द 5, 11 द 1. गुड. नेक्स्ट, अब हम वंस के सेल्यू पे जो डिजिट था उसे मल्टीप्लाई कर चुके हैं, इसलिए सेकेंड लाइन में हम क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस. अब 3 से 3 7 द 20, 1 21 का 1.